एमसीएल कर्तृपक्ष जो आडभर्टाइजमेंट बाहर कर डिप्लोमा इंजीनियरिंग पिला मानक पाई सेथरे गोटे टालटोल नीति रखिछन्ती जे जो माने पोखरिया खदान रे पीडीबीटी ट्रेनिंग नहीं चंती से माने अंडरग्राउंड रे ट्रेनिंग नहीं नाती से मानको ए इंटरव्यू रे पार्टिसिपेट करिया पे दिया जीवनी एहा को एभली नियम एमसीएल कर्तृपक्ष निजे निजे करिछन्ती जोडा कि सर्वभारतीय रे आठ गोटे सब्सिडरी रे एभली केबे टालटोल नीति अवलंबन करा जायनी जे जो माने ओपन कास्ट रे ट्रेनिंग नहीं थांतु किंबा अंडरग्राउंड रे ट्रेनिंग नहीं था समस्त को इंटरव्यू रे से मानको अलाउ करबा कथा जो माने क्वालिफाई करिवे से मानको पुणी से क्षेत्र रे काम करिया पे सुजोग दबा कथा जहां व्यतिक्रम हेछि एमसीएल कर्तृपक्ष को द्वारा ताको सुधारिबा पई आमर ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन रो महासचिव तिवारी जी आम पाखरे अछंती जनरल सेक्रेटरी आम सहित अछंती ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन रो आमे समस्त जाइकी आलोचना कलु एवं तांको गोटे दाबीपत्र देइचु जे एभली एक शर्त न रखी अंडरग्राउंड ट्रेनिंग करथिबा पिला मानकु एवं ओपन कास्ट ट्रेनिंग नैथिबा पिला मानकु समस्त को अलाउ करा जाउ जा द्वारा कि पिला माने जो पाठ पढ़चन तांकर भविष्य सहित खेलन खेला जाउ आमे अवगत करैछु से कहिछन्ती जे आमे अन्य सब्सिडरी मानक सहित कथबार्ता हई या उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवु एवं आमे आउ गोटे कथा कहिछु जे जेपर्यंत ओपन कास्ट रो पिला मानकु अलाउ न करा जाइछि ट्रेनिंग रे ए आमर इंटरव्यू रे ताकु अलाउ न करा जाइछि से पर्यंत जके ए कार्यक्रम को स्थगित रखा जाउ त कोन प्रतिश्रुति दै जे से कहिछन्ति जे आमे अन्य सब्सिडरी सहित कथबार्ता करिकि आमे डिसिजन नबु यदि या उपरे कोनोसी डिसिजन नियंती न नियंती एमसीएल कर्तृपक्ष ताली ए समग्र भारत वर्षरे कोयला क्षेत्र रे जो पिला माने आज डिप्लोमा इंजीनियरिंग पिला माने अछंती से माने राजरास्ता को उल्हे पई बाध्य हेबे उसमें जो अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होल्डर हो है जैसा कि हमारा विधायक जी ने कहा कि जो अंडरग्राउंड में जो डिप्लोमा इंजीनियर पीडीपीटी किए हैं उनको उनका ये वैकेंसी निकाले और जो ओसीपी में जो पीडीपीटी किए हैं और उससे जो उनको सर्टिफिकेट जो रिस्ट्रिक्टेड मिला है उसका ये वैकेंसी नहीं निकाले उसको ये इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने का अनुमति नहीं दिए। हम लोग विधायक जी के नेतृत्व में ये एमसीएल में जो हम लोगों ने ये जो आज जो मांग पत्र दिए हैं उसमें हम लोगों ने कहा है कि भाई डिप्लोमा इंजीनियर सभी एक पढ़ाई किया और अकॉर्डिंग टू माइंडसेट चाहे वो अंडरग्राउंड ट्रेनिंग हो या ओसीपी ट्रेनिंग हो जब हमको सर्टिफिकेट मिला है तो आप हमको मेरा ओवरमैन सर्टिफिकेट है इसलिए आप हमको भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए और आपका चूंकि 99% माइंड ओसीपी है एमसीएल में इसलिए जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होल्डर होगा उसको आप ओसीपी में पोस्टिंग करेंगे और जो अंडरग्राउंड का होगा उसको अंडरग्राउंड में करेंगे। इसके बावजूद भी आप जो वैकेंसी निकाले हैं वो जूनियर ओवरमैन का है और जूनियर ओवरमैन आपका स्टेचुरी पोस्ट नहीं है इसलिए आपको अगर अंडरग्राउंड में ही ज़रूरत होगा तो आप हमको अपॉइंट करके जो मेरा एक साल जो प्रोफेशनल पीरियड होता है उस पीरियड में आप हमको अंडरग्राउंड में पोस्टिंग कर देंगे अंडरग्राउंड का मेरा सर्टिफिकेट ट्रेनिंग भी हो जाएगा और हम आपको अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर देंगे और आप हमको भी जहाँ रखना होगा रखेंगे। तो उन्होंने कहा है डैग जी को आश्वासन दिया पूरा ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि मंडल थे उनको आश्वासन किया है कि हम थोड़ा दूसरे सब्सिडरी से बात कर लेते हैं। हमारा विधायक जी ने साफ शब्दों में कहा कि ये पावर ऑफ डेलीगेशन सीएमडी का एफडी का है इसमें कोई दूसरा सब्सिडरी और सीआईएल का अप्रूवल का ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि सीआईएल केवल पोस्ट सेंक्शन करता है बाकी कंपनी अपना सुविधा और असुविधा के तहत वो अपॉइंटमेंट करता है बैक इंटरव्यू लेता है अपने हिसाब से लेता है। यह टोटल पावर ऑफ डेलीगेशन सीएमडी एंड टीम को है एफडीज को है इसलिए हमारा विधायक जी ने उनसे आग्रह किया है कि भाई आप इस पर पुनः विचार करें दूसरा सब्सिडरी क्या करता है नहीं करता है इस पर हम नहीं जाने वाले हैं पता कर लें लेकिन आपको ये पावर है कि आप एक वैकेंसी क्रिएट करें और जब तक इसको आप नहीं करते हैं तब तक जो आज 3 तारीख से जो आपका आवेदन लेने का जो पीरियड है उसको स्थगित रखा जाए। सीएमडी ने बोला है कि यस हम उसको करेंगे और अभी हमारा एसोसिएशन हमारा विधायक जी का जो उन्होंने घोषणा किया बताया भी कि अगर इस तरह का मैंने विभेद माइनिंग कम्युनिटी के साथ डिप्लोमा होल्डर के साथ होगा रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड तो ये एसोसिएशन पूरे देश स्तर का जो माइनिंग का चक्का जाम करे।